उसका भी एक बार लेने को लिए। सो फाइनली दोस्तों लंच फिनिश करके, लंच ख़त्म करके और मैं निकल गया सिटी टूर के लिए पैदल बाई वॉक वॉकिंग करते हुए। सो आपको भी मैं सिटी दिखा देता हूँ, कोकरा सिटी कैसी नज़र आ रही है आपको, कैसी है दिखने। लाउंज काफ़ी है यहाँ पे, वो मसाज सेंटर भी काफ़ी सारे हैं इधर अगर मैं बात करूँ तो। बट ये पोखरा सिटी काफ़ी इन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से बनाई हुई है, ज़्यादा क्राउडेड है नहीं, भीड़ वाली जगह है, काफ़ी ट्रैफिक रूल्स काफ़ी अच्छे से लोग फॉलो कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें ठीक है यहाँ पे। तो मैंने सोचा खाना खाया जस्ट ऐसे ही निकल लेता हूँ, घूमता हुआ देखता हूँ यहाँ पे। और मैं डस्टबिन का आपको बताना चाहता था दोस्तों, यहाँ पे कुछ ना इस टाइप की रेड कलर का आपको नज़र आ रहा होगा, ये डस्टबिन लगे हुए हैं यहाँ पे। सो इंडिया की तरह ओपन डस्टबिन नहीं है जैसे कि इंडिया में अपने होते हैं ओपन डस्टबिन, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा कुछ सिस्टमेटिक बनाया हुआ है, उनको अच्छे से रिसाइकिलिंग के लिए डिफरेंट वो बनाया हुआ है इन्होंने, बॉक्स और बाकी जो डेंजरस चीज़ें होती है उनके लिए इन्होंने सेपरेटली बनाया हुआ है, उसी में से अलग से एक पार्ट है। सो काफ़ी अच्छी सोच है, आई होप आप यहाँ पे विज़िट करेंगे तो आपको भी काफ़ी प्यारी सिटी लगेगी, मुझे तो काफ़ी सुंदर ये जगह लगी। ऐसे कुछ बोर्ड लगे मिलेंगे हर स्ट्रीट के सामने जिस पे कि स्ट्रीट नंबर मेंशन होगा इधर। मुझे जो लगता है, मुझे ऐसा लगता है सिटी ज़्यादा पुरानी नहीं है क्योंकि तो भी हाँ पुरानी सिटी है यहाँ पे, बट थोड़ा डिफरेंट प्लेस पे है वो, वहाँ भी मैं विज़िट करूँगा एक दिन, बट अभी कंफर्म नहीं है कल जाऊँ वहाँ पे या परसों जाऊँ कब के लिए। Thank you.
गोरखा यहाँ की सबसे फेमस बियर, लोकल बियर है यहाँ के नेपाल की। तो घूमते घूमते मैं इस पार्क की तरफ पहुंच गया हूँ, गौर घाट पार्क। काफी क्राउड है यहाँ पे। ये पूरी एक ही झील है जो जिसको पावा झील बोलते हैं नेपाल में, काठमांडू में। तो अभी जो मैं येलो कलर का शॉर्ट्स देख रहा था वो 1000 रुपीज़ का था। काफ़ी एक्सपेंसिव प्राइस बताया उन्होंने यहाँ पे, 300-400 तक इनफ था यार। तो मैं सोचता भी एक बार लेने को लिए, 1000 रुपीज़ तो काफ़ी ज़्यादा है वो शॉर्ट्स के लिए। सो अभी तक का तो मैंने कोई प्लान बनाया नहीं है, आगे चल के देखते हैं। मे भी शायद मैं कल किसी ना किसी डेस्टिनेशन पे तो ज़रूर चला जाऊँगा यहाँ से, आई मीन पोखरा से कोई भी एक डेस्टिनेशन के लिए मैं कल निकल जाऊँगा, चाहे वो फिर केव्स हो या कोई डिफरेंट डेस्टिनेशन हो जिसके लिए मुझे जाना है। क्योंकि अभी आज ऑलरेडी सेकेंड डे है, अब जाके थोड़ा जल्दी रेस्ट कर लूँगा, बट ज़्यादा मुझे टाइम देना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 10 डेज मेरे काठमांडू में निकल गए हैं और अभी पोखरा में मैं उतना टाइम दोबारा मैं निकालना नहीं चाहता। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं कल की डेट में यानी हाँ कैसे भी मैं किसी एक अच्छी सी डेस्टिनेशन के लिए निकल जाऊँ और आपको कोई डेस्टिनेशन में दिखा दूँ अच्छे से। सो चलते हैं अभी तो वापस अपने रूम की तरफ। ये थोड़ी सी मेरे को मार्केट एक्सपेंसिव लग रही है, नॉर्मल जो यहाँ की मार्केट है उससे
सामने का व्यू देखिए दोस्तों, कितना प्यारा व्यू आ रहा है। ये आई थिंक ये रास्ता लेक की तरफ ही गया हुआ है। अच्छी थोड़ा चल के देखते हैं। सर यार पोर्क बहुत खाते हैं, पोर्क और बीफ, यानी कि अगर मैं बात करूँ शुगर और भैंस का भी काफ़ी मिलता है इधर, कॉमन है यहाँ पे। चलते हैं किसी कैफे में और कुछ ड्रिंक वगैरह देखते हैं, अगर प्राइस सही होगा तो ड्रिंक पीते बैठ के आराम से। काफी सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ से नज़ारा। ऐसा कुछ नज़ारा है, आप एक बार देख लीजिए फिर से। टिकट काउंटर सर बोट चेक कर लेते हैं क्या प्राइस है टिकट का इधर। पर आवर्स विद ड्राइवर 750 रुपये, 2 आवर्स विद ड्राइवर 1160, 1 आवर फॉर सेल्फ, सो काफ़ी एक्सपेंसिव है अगर मैं अपने लिए बात करूँ तो। सो मैं ड्राइव करूँगा नहीं, आई मीन मैं राइड करूँगा नहीं इस पर बोटिंग। कभी कभी नहीं बताए तो पेट्रोल पंप में पहुँच गया हूँ, अभी पेट्रोल का भी प्राइस आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे क्या प्राइस है पेट्रोल का।